फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर ये पूछते हैं कि कंप्लीट और फिनिश दोनों में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मीनिंग सेम होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ दोनों में एक फर्क है जो आपको जानना होगा। फिनिश रिफर्स टू समथिंग कम्स टू एन एंड। फिनिश का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अब खत्म है। जैसे मैं कह सकता हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपने काम को खत्म किया। लेकिन अगर हम बात कंप्लीट की करें तो मैं कहूंगा कंप्लीट हैव टू मीनिंग्स। कंप्लीट के दो मीनिंग होते हैं, वन इज सिमिलर टू फिनिश, यानी पूरा हो जाना या खत्म हो जाना। यानी पिछले सेंटेंस में मैंने कहा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया या खत्म किया। तो कंप्लीट के दो मीनिंग होते हैं, पहला खत्म करना या पूरा करना यानी फिनिश। अनदर मीनिंग इज कंप्लीट इज परफेक्ट आर इंटीग्रेटेड। और कंप्लीट का दूसरा मीनिंग परफेक्ट या इंटीग्रेटेड होती है। आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। अ जिग्सॉ पजल इज ओनली कंप्लीट व्हेन ऑल द पीसेस ज्वाइंड अप टुगेदर। जिग्सॉ पजल कंप्लीट तब होती है, यानी इंटीग्रेटेड या परफेक्ट तब होती है जब उसके सभी पीस एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो यहाँ वर्ड कंप्लीट का सेंस परफेक्ट या इंटीग्रेटेड से है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। None can be complete without compassion। कोई भी इंसान कंपैशन यानी दया या रहम के बगैर कंप्लीट नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड कंप्लीट का मीनिंग परफेक्ट से है। कोई भी इंसान तब तक परफेक्ट नहीं है यानी कंप्लीट नहीं है जब तक कि उसके पास कंपैशन ना हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कंप्लीट और फिनिश में फर्क समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।